देखिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इन अ शावर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन 1.5 हेक्टेयर ऑफ अ ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड है जो कि 1.5 हेक्टेयर का है, समझिएगा। अब बारिश होती है, ग्राउंड है, आपने देखा होगा खेतों में पानी भरा होता है, बारिश होती है और 5 सेंटीमीटर पानी ग्राउंड पे भर जाता है, तो हमें यह बताना है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा उस समय। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, कभी भी कोई एक चीज समझिए, अगर कोई बॉक्स है आपके पास तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, है ना। अगर हम समझें तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 सेंटीमीटर की बारिश होती है, यानी 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो गई 5/100 मीटर, तो बारिश। अब क्योंकि आंसर मीटर में दिया तो हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर हम एरिया की बात करें तो 1.5 100 इनटू 100 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इनटू डेप्थ भी बोल सकते हो आप, या लेंथ इनटू विड्थ इनटू, तो यहां कितना हो जाएगा? 1.5 इनटू 100 इनटू 100 इनटू 5/100। बीच में मल्टीप्लाई मत करिए, नहीं तो कई बार हमारी मेहनत बेकार। ये कैंसिल, ये पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया, ये भी कैंसिल, तो 15 इंटू 10 इंटू 5 यानी 750 क्यूबिक मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये यूनिट सेंटीमीटर में दिए और ये हेक्टेयर में दिए, तो अगर हेक्टेयर को आपको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता होगा तो सही होगा। अब कन्वर्ट हम इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते थे, मीटर का मल्टीप्लाई कर देते 100 का, और पर इससे यूनिट बढ़ जाती। दूसरा आंसर मीटर में दिया है तो पूरे क्वेश्चन को मीटर में कर लिया, तो 1.5 हेक्टेयर में हमको मीटर कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100, और सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो बाय 100। जब भी स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाओगे तो इस तरह से डिवाइड करोगे, है ना, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट से छोटी में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो करेक्ट आंसर इज 750 क्यूबिक मीटर।